साथियों नमस्कार। थोड़ा सा आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम गिरीश नेगी है और बेसिकली मैं उत्तराखंड हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि सर ने बताया कि इस संस्था में काम करने से पहले 17 साल हिंदुस्तान की आर्मी में जॉब करने का मौका मिला है। और आप सभी जानते हैं कि हमारी जो हिंदुस्तान की जो आर्मी है वर्ल्ड फेमस है। तो मैं चाहता हूँ कि एक जानदार और शानदार जो तालियां होनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान आर्मी के। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा संस्कार पब्लिक स्कूल के हमारे संस्थापक फाउंडर विनोद कुमार सर का, जिन्होंने की हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दिया। और कहीं ना कहीं सर से हमारी मुलाकात कल हुई थी और कहीं ना कहीं लगा कि एक ऐसे शख्स जो कि समाज के प्रति अपनी युवा पीढ़ी के प्रति जागरूक हैं। और सर से हमने डिस्कस किया और सर से अपना हमने विचार रखा कि सर ऐसे से हम लोग काम करते हैं और हम आपके स्कूल में आकर के एक ऐसी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। सर ने कहा बिल्कुल सर आप आइए। और वाकई में अभी सर को सुन करके मुझे खुद भी लगा कि यार वाकई में जिस संस्था के अगर कैसे फाउंडर रहे हैं और आप इस संस्था में अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो दोस्तों हमारा दायित्व बनता है, आप सबका दायित्व बनता है कि आप इस संस्था का नाम आप ऊपर ले जाएं, स्कूल का नाम ऊपर ले जाएं। और आप सबसे पहले अगर आप देखें कि अगर आपके फाउंडर इतने जोशीले हैं, इतने जुनूनी हैं, इतने कर्मठ हैं, अगर आप उनका उदाहरण देखें, खुद प्रेरणा के स्रोत हैं वो। अगर आप उनकी स्टोरी को देखें तो उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया है, आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं दोस्तों। और आप सबने खुद से कमिटमेंट करना है कि हमें सारी हम लोग सारी चीजें जानते हैं। अभी यहाँ पर सर ने प्रेजेंटेशन की होगी, सर ने आपको बहुत सारी बातें बताएंगी, अमूमन आधी से ज्यादा बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों कामयाब जिंदगी में वही इंसान होता है जो उन बातों को मानता है। जानते हम सब हैं लेकिन मानना, सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना है, क्लास में टॉप आने के लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समय पर रूटीन को कर करना पड़ेगा, क्लास में ध्यान देना पड़ेगा, सारी चीजें सबको पता है। लेकिन दोस्तों टॉपर भी वही करता है जो इन सारी चीजों को फॉलो करता है। अगर कोई कामयाब होता है, सक्सेस होता है, तो वो सारी चीजें रेशियो उसके ऊपर भी लगती है, वो इन सारी चीजों को फॉलो करता है, वो कामयाब हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। और दोस्तों जैसे सर ने आपको हमारे एक टूथपेस्ट के बारे में बताया होगा कि हमारा डेंटोडाउ, और सर ने खुद उसको खा करके आप सबके सामने उसका उदाहरण पेश किया। तो वाकई में दोस्तों हमारा जो डेंटोडाउ है ये कम से टूथपेस्ट अगर हम मान के चले गए, बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी कंपनी के टूथपेस्ट है, हम उन सबको यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा ये एकमात्र टूथपेस्ट ऐसा है जो हमारी दांतों से लेकर के हमारी टोटल बॉडी की कम से 22 से 23 समस्याओं के ऊपर काम करता है। दांतों का ठंडा गर्म होगा, पाइलिया हो गया, मुझसे बदबू आ रही, मुंह में छाले हो गए, साथ ही साथ में कहीं भी तलिया जलिया छिलिया आप उसको वहां पर यूज कर सकते हो। किसके फेस में झाइयां हो रही, कील मुहासे हो रही, आप फेस वॉश का यूज कर सकते हो। साथ ही साथ में किसके पेट में गैस बन रही, कब्ज बन रही, एसिडिटी बन रही है, विश्व का एकमात्र टूथपेस्ट है जिसको हम खा भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्योर आयुर्वेदिक है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। साथ ही साथ में हमारा एक प्रोडक्ट है जो हमारी आंखों से रिलेटेड आई ड्रॉप, और आज हर घर के अंदर किसी ना किसी को आई की समस्या है, आंखों की समस्या है, और ये एक ऐसा आई ड्रॉप है। हमारी संस्था को 7 साल हो चुके, 7 साल में ये आई ड्रॉप प्रोडक्ट हमारा निकला है, और इस प्रोडक्ट को अभी मात्र 3 महीने हुए कंपनी को लॉन्च किए, और इसने हमारे ऐसे जो बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं कि हम 1.5 महीने में लोगों के जो लोग चश्मा पहनते थे उनके चश्मे तक उतारे हैं इसने। साथ ही साथ में सर ने आपको पंच तुलसी के बारे में बता दिया होगा कि ये हमारी एक ऐसी तुलसी है कि 5 प्रकार की तुलसी का अर्क इसके अंदर डाला हुआ है, सर ने खुद इसको यूज किया है और उनको डेमो के साथ ही दिखाया गया है, तो आप इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। और वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हमारे सर सुरेंद्र शाह सर ने आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी, और मैं चाहूंगा कि ऐसी जानकारी जो हमें ग्रहण की है हम उन चीजों पर अमल करें, और मैं चाहूंगा कि आप सभी सर की इस जानकारी के लिए हम देने को दोस्तों कुछ नहीं दे सकते किसी को। अगर सर ने आपको इतना समय निकाल करके आप सबके सामने अगर बेहतरीन जानकारी दी है तो दोस्तों अगर देने के लिए हमारे पास एकमात्र चीज है तो हम जोरदार तालियों से सर का धन्यवाद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू ऑल ऑफ यू।